मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में धनिये की बुआई जारी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बुआई की धीमी प्रगति की खबरें हैं, क्योंकि किसान तिलहन और दलहन की फसल पर शिफ्ट हो गई हैं। लेकिन 13 दिसंबर को गुजरात में धनिये का रकबा 1,08,923 हेक्टेयर है, जो सामान्य क्षेत्र की तुलना में 126% है, लेकिन पिछले साल के 1,15,969 हेक्टेयर से कम है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल अक्टूबर की अवधि के दौरान निर्यात पिछले वर्ष के 33,000 टन से 12.7% घटकर 28,800 टन हुआ है, लेकिन 5 साल की औसत की तुलना में 8.6% अधिक है। वहीं जानकारों के अनुसार धनिये की पाइपलाइन खाली है और बुआई भी इस बार कम ही देखने को मिल रही है। धनिये का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी कम ही बताया जा रहा है। इन सब के चलते धनिये की कीमतों को सहारा मिलता रहेगा। जानकारों के अनुसार धनिया 2022 में काफी शानदार मुनाफा देने वाली कमोडिटी बनने की ताकत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।